नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भारद्वाज और स्वागत है आपका पाइगॉड चैनल में। इस चैनल में मिलेगी आपको ढेर सारी पाइथन वीडियोस जिसके थ्रू आप भी बन सकते हैं एक पाइगॉड। इस सीरीज का नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इस सीरीज में मल्टीपल वीडियोस हैं और आज आप इसका पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड लेटेस्ट अपडेट्स को फॉलो करने के लिए नीचे बेल बटन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे कि पाइथन क्यों यूज होती है, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है, क्यों यूज करें हम पाइथन, फिर हम देखेंगे पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं और एक बेसिक प्रोग्राम कैसे चलाते हैं। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि पाइथन यूज ही क्यों करें। बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस से लोग आते हैं और मेरे से पूछते हैं, C++ डेवलपर आके पूछते हैं, भाई पाइथन तो इतनी स्लो है, हम C++ में ही कोड कर दें। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि C++ में मैं कोड कर चुका हूँ और जब मैं पाइथन में कोड करना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि भाई ये तो एकदम इंग्लिश जैसे, और उसको यूज करना इतना ईजी था कि मेरे को लगा कि इसके बाद मैंने और कोई लैंग्वेज टच नहीं करनी। तो इसलिए मेरे को पाइथन बहुत अच्छी लगी। प्लस ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पाइथन को आप ऐसे लिखो कि आप सी जितनी परफॉर्मेंस कैसे ला सकते हो। दूसरी चीज, पाइथन 30 सालों से है और उसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि उसमें एक्टिव डेवलपमेंट रहती है और नए पैकेजेस, आपके पास बहुत सारे पैकेजेस होंगे जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और आपको कम्युनिटी से हमेशा सपोर्ट मिलेगी। किस मामले में कि कभी भी आपको कोई डाउट होगा, कभी भी एरर आएगा तो आपको इजीली वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे नई लैंग्वेजेस हैं जैसे रस्ट और ये सब, इसके आपको सोल्यूशंस मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। और तीसरी चीज ये है कि बहुत वर्सेटाइल है पाइथन, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऑलमोस्ट मैं तो बोलूंगा आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं इसको, मैथमेटिशियंस यूज करते हैं इसको। अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, आप पाइथन इज द गो टू लैंग्वेज फॉर वर्किंग इन डेटा साइंस, जो कि आजकल बहुत अपकमिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत यूज होता है, और फिर आप पाइथन एज अ बैकएंड लैंग्वेज इन वेब डेवलपमेंट भी यूज कर सकते हैं। इवन दीज डेज कुछ नए नए पैकेजेस आ रहे हैं जिसके थ्रू आप ऐप डेव भी कर सकते हैं पाइथन में। तो इट्स वेरी वर्सेटाइल एंड इट हैज अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। सो दैट्स व्हाई पाइथन इज अ गो टू लैंग्वेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह यूज होती है, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल, इंस्टाग्राम, बहुत सारी कंपनीज आजकल पाइथन पे यूज कर रही है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बहुत सारी स्टार्टअप्स इंडिया में भी यूज कर रही है पाइथन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। AI स्टार्टअप्स आ रही है, सब यूज करते हैं आजकल पाइथन। तो आपका जॉब मार्केट बहुत बड़ा है, और दिस इज ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज एज पर 2018। तो सम प्रोजेक्ट्स दैट आर मेड यूजिंग पाइथन, यू कैन सी ऑटोनोमस डिलीवरी ड्रोन्स, इन सब में पाइथन यूज होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में पाइथन यूज होती है। गूगल ने टेंसरफ्लो निकाला है, पाइटॉर्च है, सब कुछ, एवरीथिंग इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेस पाइथन। तो आइए इंस्टॉल करते हैं पाइथन को। हमने इस वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं कि कहां से डाउनलोड करनी है। आप इस बटन को दबाइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, इसलिए हम आपको सीधे सेटअप रन करके दिखाते हैं। डबल क्लिक कीजिए सेटअप पे, प्लीज ऐड पाइथन 3.72 पाथ वाले बटन को क्लिक करिए, फिर इंस्टॉल कीजिए, क्लिक यस। अब आपका सेटअप चलना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम आपके लिए एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे, जिससे आपका पाइथन आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो सेटअप चल रहा है और कुछ ही सेकंड्स में ये हो जाएगा इंस्टॉल। बेसिक बेसिक लाइब्रेरी इंस्टॉल करता है, पूरा ही सेल्फ सफिशिएंट है। कोई भी जावा जैसे JVM टाइप की चीज आपको परेशान नहीं करेगी, आराम से इंस्टॉल हो जाता है। और That's it. तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन। तो आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और आइडियली पाइथन 3.7 दिखेगा आपको। जो ये चीज है इसको कहते हैं शेल, इंटरप्रेटर भी कहते हैं, आइडियली भी कहते हैं उसको। तो इसके अंदर मान लो आपको कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट होता क्या, तो कोई भी ये चीज आपको डिस्प्ले करनी है, तो सबसे पहला फंक्शन किसी भी लैंग्वेज में सीखते हैं कि चीजें डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, डेटा टाइप्स कहते हैं उनको। डेटा टाइप क्या होता है,
जैसे आपको अपना नाम रिप्रेजेंट करना है, तो नाम आप ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, आपको कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट पहले लिखो, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो। तो जब आपको नाम लिखना है या कुछ भी, आपको जैसे स्ट्रिंग लिखनी होती है, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये आप हमेशा कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करोगे और आप प्रेस करो एंटर ब्रैकेट बंद करके, तो आ गया हेलो वर्ल्ड। नाम लिखना है, नाम लिख लो। नाम आ गया। अब मान लो नंबर लिखना है, तो नंबर लिखने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोट्स में लिखना है, तो नॉर्मल नंबर लिख दिया आपने, वो प्रिंट हो जाता है। मान लो आपने कोट्स लगाना भूल गए या आधा ही कोट्स लगा, तो आपको आ जाएगा एरर। तो इसलिए आपको जब भी आप नाम टाइप की चीजें लिखते हो, कोई भी स्ट्रिंग लिखते हो, तो उसको कोट्स के अंदर प्रेजेंट करते हो। नंबर लिखते हो तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आज हमने देखा था कि पाइथन को यूज करके हमें डिस्प्ले कैसे करनी है चीजें। अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे हम, और भी नई चीजें लर्न करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।